हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो कार का ये वाला सीन जो हुआ था, उसके बाद ये बम्पर की जो मैंने बात बोली थी आपसे कि इसकी जो कंडीशन ऐसी हो रही है अभी, उसको हम घर पे ही रिपेयर करने की सोचेंगे। तो आज हम सोच रहे हैं कि इसको रिपेयर करके देखें और किस तरीके से होगा, और वो सब चीज़ें हमने आइडिया लगाया तो है, बट कितना सक्सेस रहेगा वो चीज़ देखेंगे। अब ये वीडियो भी तब अपलोड करूँगा अगर ये सही से प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा तब करूँगा, नहीं होएगा तो हमको नया ही डालना पड़ेगा इसमें, तो वो चीज़ें देख लेंगे। तो अभी मैं बैकग्राउंड से आपको पूरा दिखाता हूँ कि यार किस तरीके का अभी इसकी कंडीशन है और किस किस तरीके से इसको हम रिपेयर करेंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम क्या क्या प्रोसेसिंग करते रह रहे हैं इसमें। तो गाइस यहाँ देखो, ये बम्पर जो है हमारा पूरा इधर से यहाँ तक क्रैक हो गया, फट गया है, और इधर से पूरा अंदर चले गया है, बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए हैं, इधर यहाँ से भी पूरा फट गया है और नीचे से भी टूट गया है। देखो यहाँ भी क्रैक दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं घर पर ही यार, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इसमें चलिए काम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हमको इसके नट वगैरह जो इधर से लगे हैं, स्क्रू जितने भी स्क्रू होते हैं पूरा बम्पर हम बाहर निकालेंगे और इसको ले जाएंगे आगे घर पे, और वहीं देखेंगे किस तरीके से करना है। तो हमारे मैकेनिक साहब खोलने लग गए। देखो हमने बम्पर खोल दिया पूरा, और इस तरीके का है कुछ। अभी हमने इसको रख दिया है, इसमें अब जो जो प्रोसेस होगी वो सब दिखेगी अब। तो यहाँ ऐसा है, नट निकाल दो, ये नट निकाल दे, तो हम इसको खोल लाए हैं पूरा, अब जो जो प्रोसेस होगी सब दिखते रहेगी। तो गाइस अब मैंने एक दिया जलाया है और एक सुई है मेरे पास, ये आटे की या कट्टे सिलने वाली जो होती है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से बहुत सारे मैं इसमें छेद कर दूँगा एक एक सीरीज़ में, तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा इसमें। गाइस यहाँ पर हमने बहुत सारे छेद कर दिए इसमें, अब इसमें हम तार डालेंगे यहाँ से एक एक करके कस के, फिर आपको दिखाता हूँ। ये वायर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, इसको हम करेंगे जितना हमने इसमें होल्स बनाए हैं इन सब में हम इसको डाल के इसको अच्छी तरीके से कस देंगे, जिससे ये बम्पर पूरा फिक्स हो जाए, और बाकी प्रोसेस फिर आगे को दिखाते हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो गाइस देखो हमने सारा का सारा कवर कर दिया है इसमें, ये हमने पूरा का पूरा बांध दिया है इसको, इधर साइड से जो क्रैक था उसको भी बांध दिया है, तो पूरी फिनिशिंग के साथ हमने अच्छे से कर दिया है। अब बाकी जो चीज़ हम करेंगे आगे, अभी सोचता हूँ इसमें क्या करके इसको छुपाया जाए, और फिर वो भी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। और ये जो चीज़ है, मैंने जो वायर यूज़ करी है वो मैं आपको बताना भूल गया था गाइस, ये पुराने जो टेलीफोन की जो लाइन जाती थी उनमें वायर लगी होती थी, तो वही वायर का मैंने यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत वायर है इसलिए मैंने इसको बांध दिया। अब ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग हो रहा है, तो इसको कवर करने के लिए अब देखते हैं क्या चीज़ हम कर सकते हैं इसमें। तो गाइस मार्केट से अब हम ले आए हैं अपना कुछ सामान, जैसे कि पेंट है, ब्रश है, और एक चीज़ और है। तो ये हो गया हमारा ब्रश, ये हो गया पेंट, और ये जो चीज़ है ये एम सील है, जैसे हमने आपको कल दिखाया था कि हमने उसको फिक्स कर रखा पूरा अच्छी तरीके से, तार से जो बांधा था तो उसमें हम एम सील लगाएंगे। तो एम सील में क्या होता है, तो दो तरीके के इसमें सॉल्यूशन है, इन दोनों को एक साथ मिक्स करना है और जहाँ हमने वो करा था उसमें लगा देंगे अभी, तो लगाने की प्रोसेस भी आपको दिखा दूंगा। तो ये दो सॉल्यूशन है, एक ब्लैक है, ग्रीन है, तो इन दोनों को पूरा मिक्स कर देना है। तो मिक्स हो गया पूरा, इस तरीके का बन गया है, अब लगाते हैं इसकी प्रोसेसिंग, वहाँ वो दिखाते हैं। तो गाइस अब हो गया हमारा पेंट का काम चालू, तो यहाँ देखो हमारा मिक्सिंग चल रही है पेंट की, और यहाँ भी इसको ब्रश से ही कर देंगे।
गाइस ये देखो हमारा जो बम्पर है, हमने इसको इंस्टॉल कर दिया अच्छी तरीके से। और अभी इसकी चमक देखो यार, पेंट करने के बाद कितना रिफ्रेश हो गया, नया हो गया एकदम। और जहाँ से ये बदतर हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो हमारा जो यहाँ आपको टूटा हुआ था, ये याला फोटो याली वीडियो देखो और याली देखो कितना अंतर है। पुराने कंडीशन में तो बहुत ही डैमेज हो गया था, बेकार मतलब कि यार किसी यूज़लेस हो गया था ये, लेकिन हमने इसको रिस्टोर करके दोबारा से परफेक्ट बना दिया। और जो ऊपर की लाइट थी आपने देखी थी, ये भी ख़राब हो रही थी, तो ये वाली भी मैंने दोबारा से रिफ्रेश करके मतलब लगा दी है इसको, तो बिल्कुल कंडीशन वाइज तो अभी बिल्कुल बेटर हो गया है। तो ये है इसका साइड लुक, एकदम न्यू हो गया है। तो गाइस आपके पास भी कोई पुरानी कार है और आपने आपके बम्पर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको घर में इस तरीके से कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो में आपने प्रोसेसिंग देख ली किस तरीके की है, तो सारा का सारा न्यू हो गया है। अभी यहाँ का हल्का डेंट था वो भी मैंने इसको साफ़ कर दिया अंदर से निकालने के बाद, थोड़ा पेंट की कमी हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब बाहर आ गया है। गैपिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा थी वो भी सही करी है, ये लाइट हमने नहीं लगा दी है। मतलब काम हमारा पूरा हो गया, अब गाड़ी बिल्कुल चलने लायक हो गई है, नई हो गई है। बाकी इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस के लिए काफ़ी मेहनत लग जाती है यार, काफ़ी दिनों की मेहनत है। और उसके बाद भी काम पूरा ओके हो गया तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।